आप देख रहे हैं हमारा खास शो, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लिए विजय यात्रा शुरू कर दी है। दक्षिण के राज्यों पर बीजेपी अभी से फोकस करने लगी है। पीएम मोदी का दो दिन का दक्षिण भारत का दौरा आज खत्म हो गया। अपने दौरे में मोदी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहे। इस दौरान उन्होंने दक्षिण के राज्यों को 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे डाली। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत पर जोर क्यों दे रही है? दक्षिण को साधने के पीछे क्या है मोदी का गेम प्लान? आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी ये पहली रिपोर्ट फिलहाल आप देखिए। बीजेपी की सरकारें जहां एक बार बन जाती है वहां बार बार बीजेपी सरकार बन रही है। तेलंगाना का अंधेरा दूर होगा, तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, चारों तरफ घना अंधकारा हो जाता है, उसी परिस्थिति में कमल का खिलना शुरू हो जाता है। हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? बातचीत का अपना अलग अंदाज, विकास की ढेरों सौगात और विरोधियों पर तीखे प्रहार। आप देख रहे हैं मोदी के मिशन साउथ की शंखनाद की तस्वीरें। बीजेपी का नया नारा अब लुक साउथ है, उसमें भी पहले तेलंगाना फिर तमिलनाडु पर खास फोकस। फॉरवर्ड प्लान 2022 से कहीं आगे का है। दक्षिण से खुलेगा 2024 के कर्तव्य पथ का दरवाजा। इसी भरोसे के साथ बीजेपी ने एक टारगेट सेट करके दक्षिण भारत में प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। मोदी इलेक्शन के बोर्ड में हैं और कम से कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट पाने का लक्ष्य है। दो दिन का वक्त, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी चार राज्यों का दौरा और 109 लोकसभा सीटें कवर। यही मोदी का विजन जो उन्हें सबसे अलग नेता की कतार में लाकर खड़ा करता है। इसे ऐसे समझिए कि अभी राहुल गांधी भी अपने दक्षिण से लेकर उत्तर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन राहुल ने जितना इलाका 2 महीने में कवर किया, मोदी ने उसे कवर करने में सिर्फ 2 दिन लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा केवल आधिकारिक दौरा नहीं है बल्कि राजनीतिक तौर पर अहम है, जिसमें संदेश छुपा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार दक्षिण तक करना चाहती है। खासतौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पार्टी फोकस कर रही है। मोदी शनिवार को तेलंगाना में थे जहां उन्होंने टीआरएस को वार्निंग और तेलंगाना के बीजेपी नेता को आगे बढ़ने का मंत्र दिया। तेलंगाना बीजेपी के कार्यकर्ता, इस कार्यक्रम में मैं आपको बधाई देने के लिए आया। मैं वाकई बताता हूं कि मैं तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से बहुत प्रभावित हूं। तेलंगाना की जनता
बीजेपी को तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए भी मन बना चुकी है। तेलंगाना में अंधविश्वास के नाम से क्या क्या हो रहा है ये पूरे देश को, देश के लोगों को जानना चाहिए। तेलंगाना का विकास करना है, उसे पिछड़ेपन से निकालना है, तो हमें सबसे पहले यहां से हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना होगा। भाइयों, आज मैं देख रहा हूं तेलंगाना में सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर परिवार के लिए काम करने वाली सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। मोदी उस रीजन में हैं जहां बीजेपी का पहले कोई लाम लेने वाला नहीं था। उत्तर की पार्टी दक्षिण में जीत सकती है ये कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन पीएम मोदी ने दक्षिण के उन्हीं राज्यों से 2023 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के साथ ही 2024 का शंखनाद भी कर दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में साल 2023 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में साल 2024 के आम चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे। जहां तक विधानसभा चुनाव सवाल है तो बीजेपी की कोशिश इस बार तेलंगाना में टीआरएस और ओवैसी के घर में घुसकर उन्हें सबसे बड़ी चुनौती देने की है, जिस पर पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी इस बार हैट्रिक लगाना चाह रही है, लिहाजा उनका फोकस जीती हुई सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ ही उन 144 सीटों पर है जहां बीजेपी दूसरे या तीसरे नंबर पर आई थी। इन 144 सीटों के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों की हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में ही लोकसभा की 129 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनमें से महज 30 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। इन 30 में से भी 26 सीटें अकेले कर्नाटक में से हैं। लिहाजा बीजेपी इन राज्यों की ज्यादातर सीटों के लिए रणनीति तैयार की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ को लीड कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल मई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक केसीआर के गढ़ हैदराबाद में करके पार्टी ने इसी मिशन को धार देने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहां इस मैदान में ही सिमट आया है। गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस बार मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो सियासत का शो किया है उसका मकसद यहां बीजेपी की जड़ों को और ज्यादा गहरा करना है और नए साथियों की तलाश भी है। यही कारण है कि अभिनेता और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने शुक्रवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब आधे घंटे मुलाकात की। आपको याद होगा इसी साल अगस्त के महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना में
आरआरआर फेम जूनियर एनटीआर के साथ मुलाकात की थी। दरअसल इन मेल मुलाकातों के मायने समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। बीजेपी की जड़ें हिंदुत्व से जुड़ी हैं। अपने इसी ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूले को वो दक्षिण में भी आजमा रही है। मौजूदा दौर में दक्षिण की फिल्में पैन इंडिया मूवी की तरह ट्रीट की जा रही हैं। बीते दिनों एक नैरेटिव भी बना कि दक्षिण की फिल्मों में असली हिंदू और हिंदुत्व परंपराएं और संस्कृति दिखाई जाती है। दरअसल इन दिनों एक मैसेज दिया जा रहा है कि दक्षिण भारतीय असली हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। इसे आप एक माहौल बनाने की रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो ये तो नैरेटिव सेट करने की बात, लेकिन सिर्फ माहौल बनाने से ही सरकारें बनती तो आज सियासत की तस्वीर शायद कुछ और होती। सवाल यही है कि बीजेपी दक्षिण पर इतना फोकस क्यों कर रही है? पूरी रणनीति क्या है? दक्षिण से कैसे खुलेगा दिल्ली दरबार का द्वार? अब इसे आप समझिए। राष्ट्रीय राजनीति में आज मोदी चमत्कार का दूसरा नाम है। वहीं बीजेपी के लिए मोदी वो नाम है जो संकट को अवसर में बदलने की ताकत रखते हैं। नरेंद्र भाई साहब का डेडिकेशन, कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन, हम हमारे बेटे के शादी में न्योता देने गए थे तो उन्होंने स्वीकारा और आए थे, और तभी हमने पूछा कि आप बहुत काम, आप आराम करने के लिए कभी आओगे घर में? तो उन्होंने बताया अब नहीं आऊँगा ये ज़िंदगी में, अगले ज़िंदगी में टाइम मिला तो पक्का आऊँगा। ही इतना उनको मालूम था कि अभी उनको टाइम ही मिलने वाला नहीं है खाली काम करने। सती रणनीति से असंभव टारगेट हासिल करना अभी तक मोदी की यही पहचान रही है। इस बार जैसे बीजेपी ने 2024 के लिए दक्षिण का जो दाव चला है उसके पीछे जबरदस्त रणनीति है। राहुल गांधी बीते दो महीने से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये पदयात्रा केरल से कन्याकुमारी तक जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल ने इस पदयात्रा की शुरुआत के लिए दक्षिण के राज्यों को ही क्यों चुना? दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी का भगवा झंडा लहरा चुका है। साल 2019 में बीजेपी ने जो 303 लोकसभा सीटें जीती थी उनमें से 274 सीटें इन्हीं राज्यों से आई थी, लेकिन दक्षिण भारत में उनका हाथ खाली है। राहुल ये जानते हैं कि बीजेपी को उत्तर भारत में हराना मुश्किल है। हाँ, दक्षिण वो द्वार जरूर है जहाँ बीजेपी को रोका जा सकता है, इसीलिए उन्होंने दक्षिण में पदयात्रा पर पूरा जोर लगाया है। वहीं अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो 2019 के मुकाबले इस बार स्थितियाँ कुछ बदली बदली सी हैं। बीजेपी के लिए 2024 की राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पिछले 3 साल में एनडीए के कई सहयोगी अलग राह पकड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवसेना अलग हुई, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, और अब नीतीश कुमार एक बार फिर पलट चाल चल चुके हैं। ये सभी अब मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार की भूमिका में दिख रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी भी दो फाड़ हो चुकी है। ये तो बात हुई एनडीए के सहयोगियों के छिटकने की, लेकिन बीजेपी के सामने इससे भी बड़ी चुनौती है और वो है अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखना। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी अधिक से अधिक सीटों पर उसका कब्जा है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसे 8 राज्यों की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वोट शेयर भी 50% से ज्यादा है। एमपी की 29 में से 28 सीटें बीजेपी की झोली में हैं। 2019 में महाराष्ट्र की 48 में से 39 सीटें भी एनडीए को मिली थी। यानी इन राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी ऐसी उम्मीद कम है। हाँ, कम जरूर हो सकती हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने इस बार लुक साउथ की रणनीति बनाई, ताकि अगर उत्तर भारत में कुछ सीटें घटती हैं तो दक्षिण से वो घाटा पूरा किया जा सके। यही कारण है कि मोदी 2 दिन में 4 राज्यों के दौरे पर हैं। इसका जिक्र सुबह से हम कर रहे हैं।
कि हैदराबाद मुक्ति दिन को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए, जिन्होंने यहां पर शासन किया उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। जहां तक विपक्ष की बात है तो उसके लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। असली पेच यहीं पर फंसा है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का चेहरा कौन होगा। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुद नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। करीब 2 महीने पहले 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी ने दो टूक कहा था कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही देश को बचा सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश को प्रगति के पथ पे ला सकती है। हमारे लिए सरकार ने, जैसे मैंने कहा, रास्ते बंद कर दिए हैं। दूसरी तरफ बंगाल में जीत की हैट्रिक के बाद ममता बनर्जी बिना किसी इफ बट के सीधे सीधे खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर चुकी हैं। इसके अलावा एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने भी जिस तरह बारी बारी से विपक्षी दलों से मुलाकात की, तो यही जताया कि उनकी नजर भी पीएम कुर्सी पर है। इसके अलावा अखिलेश और केसीआर जैसे नेता भी मौका ढूंढ रहे हैं। यानी विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर सब एकजुट हो जाएगा, इसे लेकर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मोदी इन चुनौतियों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उनका फोकस दक्षिण में खुलकर कमल खिलाने पर है, दक्षिण में राहुल का गेम प्लान बिगाड़ने पर है। बीजेपी की हर उस सीट पर नजर है जहां थोड़ी भी संभावना है। यही कारण है कि मोदी और अमित शाह महीनों से मिशन दक्षिण को धार दे रहे हैं। तेलंगाना पर फोकस इसलिए है क्योंकि वहां संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। 17 लोकसभा सीटों वाली तेलंगाना में 2019 में चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। पार्टी की कोशिश 2024 में इन सीटों को बरकरार रखने के साथ साथ मुख्य मुकाबले में हारी हुई सीटों को भी इस बार अपनी झोली में डालने की। दक्षिण के दूसरे राज्यों में मोदी के सामने चुनौती कितनी बड़ी है, उसे पिछली लोकसभा चुनावों के नतीजों से समझिए। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहां लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। साल 2014 में बीजेपी ने 2 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन 2019 में यहां पार्टी का खाता भी नहीं खुला। तमिलनाडु की बात करें तो यहां लोकसभा की 39 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में एक भी नहीं है। इसी तरह केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जहां पार्टी खाता खोलने के लिए पूरा जोर लगा रही है। केरल में बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ा है, पार्टी का जनाधार तो बढ़ा है, लेकिन यहां जीत का सूखा खत्म नहीं हो पाया है। आप सोचिए, जिन राज्यों में पार्टी की बुरी हालत है वहां की कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है और 1.5 साल पहले ही मेहनत करनी शुरू कर दी है। ये बात बयां करती है कि मोदी चुनौती लेने में पीछे नहीं हटते। मोदी ने दक्षिण के 4 राज्यों में बिगुल फूंक कर विरोधियों को ये बता दिया है कि वो एक बार फिर चुनौती लेने को तैयार हैं। साल 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की सरकार को 10 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 चुनावों में उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत में बीजेपी को कुछ ज्यादा नहीं मिला, इसलिए इस बार पार्टी ने कमर कस ली है। एंटी इनकम्बेंसी से अगर कुछ सीटें कम भी आती हैं तो दक्षिण से भरपाई होगी। यही वजह है कि मिशन साउथ पर खुद प्रधानमंत्री मोदी उतर चुके हैं। अब सवाल ये है कि मिशन पूरा कैसे होगा, तो इसे भी समझिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही जिक्र किया है, बीजेपी का टारगेट
दक्षिण के राज्यों की 129 सीटें हैं। इन सीटों को डेमोग्राफी और लोकल फैक्टर्स के लिहाज से अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। हर क्लस्टर के लिए किसी मंत्री को इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा 25 से ज्यादा सीनियर मिनिस्टर्स को हर क्लस्टर की 3 से 4 सीटों की खास जिम्मेदारी दी गई है। मोदी शाह युग में बीजेपी की मजबूती का एक बड़ा कारण बूथ मैनेजमेंट भी है। पार्टी सिर्फ राज्यवार या सीटवार ही नहीं, बूथवार रणनीति तैयार करती है। बूथ भी क्या, वोटर लिस्ट के अलग अलग पेज तक के लिए बीजेपी की अपनी रणनीति होती है। पन्ना प्रमुखों को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। बीजेपी ने ऐसे करीब 74,000 पोलिंग बूथों की पहचान की है जहां वो कमजोर है। इन बूथों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए वीक बूथ कमेटी बनाई गई है। लोग आपकी ताकत जानते हैं कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं भाजपा के हर सिपाही के सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं। उस सामर्थ्य को समझता हूं। बीजेपी ने वीक बूथ उन पोलिंग बूथों को माना है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब था। इनमें ज्यादातर बूथ दक्षिण भारत के हैं। ये बूथ कमेटी रणनीति बनाएगी कि इन पोलिंग बूथों पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी कैसे माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्य कठिन है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।